हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपी में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ महाराष्ट्र का फेमस कांदा पोहा। तो जिसे बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने पोहे को भिगो दिया है। तो महाराष्ट्र में जो पोहा लिया जाता है वो जाड़ा होता है, यानि कि मोटा पोहा होता है। तो इसलिए इस आपको जब भी बनाना हो तो यहाँ पर आपको पोहा जो लेना है वो मोटा ही लेना है। तो इस तरीके से मैं पोहे को 3 से 4 बार वॉश कर लूँगी, जिससे इसका जो पानी है या इसके ऊपर जो भी डस्ट है वो निकल जाएगी। और जब तक पानी ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाएगा मैं तब तक यहाँ पर पोहे को अच्छे से वॉश कर लूँगी। फिर इसे मैं 5 से 10 मिनट के लिए भीगने के लिए रख दूँगी, जिससे ये फूल जाए, कहने का मतलब। तो ये जैसे ही फूल जाएगा तो हमारा पोहा भी जो होगा वो खिला खिला बनेगा। तो देखिए अब हमारा पोहा जो है अच्छी तरीके से वॉश हो गया है, अब मैंने इसे भीगने के लिए रख दिया है। कांदा पोहा बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कांदा लिया है और साथ में कांदा यानी कि प्याज और साथ में हरी मिर्च और बटाटा यानी आलू ले लिया। तो यहाँ पर मैं आलू भी डाल रही हूँ, क्योंकि आलू से क्या है हमारे पोहे का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। साथ ही हम यहाँ पर कुछ मसाले ले रहे हैं, जैसे हल्दी है, हींग है, और ये तड़के के लिए जीरा और राई और कुछ करी लीव्स। तो यहाँ पर करी लीव्स जो हैं वो ड्राई वाली हैं, आपके पास फ्रेश हो तो फ्रेश आप लीजिएगा, मेरे पास नहीं थी तो मैं यहाँ पर सूखी ही ले रही हूँ। अब यहाँ पोहा मेरा फूल का तैयार हो गया है, तो इसमें मैं नमक मिला दूँगी। तो पोहे को हमें हाथ नहीं लगाना, नहीं तो पोहा टूट जाएगा। तो इस तरीके से मैं पूरे पोहे में नमक मिला लूँगी। अब इसे एक साइड रख दूँगी। कढ़ाई में मैंने तेल गर्म करने रख दिया है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम जीरा और राई डालेंगे। जैसे ही वो चटकने लगेगा फिर हम इसमें आगे यानि कि मूंगफली दाना डालेंगे। मूंगफली दाना जैसे ही हमारा हल चटक जाएगा फिर उसके बाद हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे, साथ ही बहुत सारा कांदा। और आपके क्योंकि महाराष्ट्र में जो पोहा बनता है उसमें कांदे की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसलिए उसे कांदा पोहा कहते हैं। तो यहाँ पर कांदा और बटाटा दोनों डालकर एक साथ भून लूँगी। जब बटाटा वाला पोहा बनता है तो बटाटा यहाँ पर बॉईल किया हुआ लेते हैं, तो उसे ज़्यादा पकाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। पर यहाँ पर मैं कच्चा बटाटा ले रही हूँ तो उसे हमें थोड़ी देर के लिए पकाना होगा, इसलिए मैं नमक डालकर इसे पका लूँगी। अब सभी चीज़ को मैं यहाँ पर आप चाहें तो इसे ढककर भी पका सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे ढक्कन लगा के तब तक पकाऊंगी जब तक हमारा 70% आलू कुक ना हो जाए। जैसे ही हमारा आलू कुक हो जाएगा फिर हम इसमें आगे की प्रोसेस करेंगे। तो जैसे ही ये सब चीज़ें अच्छे से बन जाएंगी फिर इसमें मैं हल्दी पाउडर और हींग दोनों डाल दूंगी। साथ ही मैं, क्योंकि मेरा करी पत्ता सूखा था इसलिए इसे मैं लास्ट में डाल रही हूँ। और फिर इसके बाद सारे मसाले मिलाने के बाद इसमें मैं पोहा मिला दूंगी और इसके बाद नींबू का रस, और इनको अच्छे से मिलाना है। और चाहे तो आप इसमें पानी की कुछ छींटे डालकर फिर से एक से 2 सेकंड यानी कि 5 सेकंड के लिए ढक लें और फिर उसके बाद पोहे को सर्व करें। तो यहाँ आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही मेरी हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड टेक केयर। और इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें। मोस्टली महाराष्ट्र में इसे चाय के साथ यानी कि कटिंग चाय के साथ ही यूज किया जाता है, तो आप इसे ब्रेकफास्ट में चाय के साथ इंजॉय करें। हर शहर हर सिटी में पोहा अलग अलग तरीके से बनता है, सभी के बनाने का तरीका भी अलग होता है। तो आज मैंने महाराष्ट्र का फेमस कांदा पोहा बनाया है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।